नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आईपीएल के सभी अपडेट को लेकर सामने आपके। आठ पुरानी टीमें अपने खिलाड़ी रिटेन कर चुकी हैं। अब लखनऊ और अहमदाबाद की दो नई टीमें अपने पाले में कर सकती हैं खिलाड़ियों को। हालांकि अभी तक अहमदाबाद की टीम को बीसीसीआई की ओर से लेटर ऑफ इंटेंट नहीं मिला, इसलिए माना जा रहा है अभी टीम किसी भी खिलाड़ी से बात नहीं कर पा रही है। लखनऊ फ्रेंचाइजी ने हाल ही में एंडी फ्लावर को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है। पूर्व भारतीय खिलाड़ी गौतम गंभीर को मेंटोर के रूप में चुना है, लेकिन कुछ खबरें छनछना कर बाहर आ रही हैं। लखनऊ की टीम के बारे में जो खबरें सामने आई हैं, उसमें पता चला है कि टीम ने अपने तीन खिलाड़ी करीब करीब फाइनल कर लिए हैं। जैसे ही बीसीसीआई की ओर से हरी झंडी मिलेगी, तीनों खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया जाएगा। ये खिलाड़ी हैं लखनऊ के, कह सकते हैं तो केएल राहुल माने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माना जा रहा है कि आईपीएल 2022 के लिए लखनऊ की टीम ने कप्तान के लिए केएल राहुल का नाम फाइनल कर लिया है। इसी बीच खबर आ रही है टीम ने अफगानिस्तान के मिस्ट्री गेंदबाज राशिद खान का नाम भी शामिल कराया। राशिद खान को साल 2017 फरवरी में ही सनराइजर हैदराबाद ने 4 करोड़ में खरीदा था। इसके बाद उन्हें आईपीएल में हैदराबाद के लिए शानदार परफॉर्मेंस किया। हालांकि इस बार हैदराबाद की टीम ने राशिद खान को रिलीज कर दिया है। अगर लखनऊ की टीम में कप्तान केएल राहुल हों और कप्तान राशिद खान हो जाए तो टीम काफ़ी शानदार हो जाएगी। बता दें कि राशिद खान को कप्तानी का अच्छा खासा अनुभव भी है, क्योंकि वह अफगानिस्तान टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं। राशिद खान ये आईपीएल करियर का नजर डाले तो उन्हें 2017 से अभी तक 76 मैच खेले हैं। उन्होंने 93 विकेट चटकाए हैं और 20 की शानदार एवरेज के साथ है उनके साथ। तो कहीं ना कहीं राशिद खान अगर केएल राहुल के साथ जुड़ जाते हैं तो लखनऊ के यहाँ से वारे न्यारे हो सकते हैं और आईपीएल का टाइटल भी वो जीत सकते हैं।